इस बार कुदरत का निजाम नहीं, बाबर का चलेगा निजाम। T20 वर्ल्ड कप में बचने वाला है घमासान। बाबर की सेना हो चुकी है तैयार करने को वार, अब बस कहने की देरी है यलगार। इन 15 लड़ाकों के साथ ग्रीन आर्मी हो गई है तैयार, अब दिखेगी पाक टीम की जबरदस्त धार। इस बार पाक किंग बाबर आजम के पास T20 वर्ल्ड कप के लिए तरकश में कई तीर हैं। इस बार T20 वर्ल्ड कप के लिए पाक टीम में कई मंझे हुए लड़ाकों की भी वापसी हुई है, जो बाबर की सेना को और भी मजबूत करता है। अगर इस बार कोई विरोधी टीम ग्रीन आर्मी को हल्के में लेने की गलती करेगी तो समझो उसे धराशायी होने से कोई नहीं बचा सकता। घातक लेफ्ट आर्म पेसर मोहम्मद आमिर की वापसी हो चुकी है, वही ऑलराउंडर इमाद वसीम भी वापसी कर चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये कप्तान बाबर आजम के लिए तुरुप के इक्के साबित हो सकते हैं। सावनीक्राम T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में तकरीबन 1.5 महीना बाकी है, लेकिन अभी से जिन ममालिक ने अपनी टीमों की अनाउंसमेंट की है किसी भी सीरीज के लिए, उनका भरपूर तरीके से मुवाजना किया जाता है। जैसे कि पाकिस्तान कल से बकायदा अपनी सीरीज का आगाज न्यूजीलैंड के खिलाफ करेगा। 5 T20 मैच पाकिस्तान ने खेलने हैं और वर्ल्ड कप भी T20 फॉर्मेट का है, तो जैसे ही पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान होता है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तानी स्क्वाड पर लगती हैं और हैरानकुन तौर पर पाकिस्तानी स्क्वाड को सबसे बैलेंस करार दिया जाता है, सबसे तगड़ा करार दिया जाता है, ना सिर्फ हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की मीडिया की तरफ से बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसी की तरफ से जो कि स्पोर्ट्स को कवर करती हैं। वजह साफ वाज़ह है कि पाकिस्तान की टीम को इस बार नई कमक मिली है। पिछला ODI वर्ल्ड कप हो या फिर एशिया कप, उसमें पाकिस्तान की हालत इसलिए भी बुरी थी कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को इंजरीज के मसाइल थे। बॉलिंग कॉम्बिनेशन ना होने की वजह से पाकिस्तान बड़े बुरे तरीके से पिटता दिखाई दिया था, लेकिन अब की बार मोहम्मद आमिर बॉलिंग स्क्वाड में शामिल हुए, इमाद मुसीम एज ऑलराउंडर पाकिस्तानी टीम में शामिल हुए, जबकि PSL के कई जानदार खिलाड़ी जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है वो भी अब पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान का स्क्वाड काफी बैलेंस दिखाई देता है। और यही वजह है कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का मीडिया ये कहता दिखाई देता है कि अब की बार बाबर आजम वर्ल्ड कप से कम किसी चीज पर राजी नहीं होंगे। इस बार कुदरत का निजाम नहीं, बाबर का चलेगा निजाम। T20 वर्ल्ड कप में मचने वाला है घमासान। बाबर की सेना हो चुकी है तैयार करने को वार, अब बस कहने की देरी है यलगार। इन 15 लड़ाकों के साथ ग्रीन आर्मी हो गई है तैयार, अब दिखेगी पाक टीम की जबरदस्त धार। कहते हैं ना गम के पास तलवार, मैं उम्मीद की ढाल लिए बैठा हूँ। ए जिंदगी तेरी हर चाल के लिए मैं एक चाल लिए बैठा हूँ। जी हाँ, इस बार पाक किंग बाबर आजम के पास T20 वर्ल्ड कप के लिए तरकश में कई तीर हैं। इस बार T20 वर्ल्ड कप के लिए पाक टीम में कई मंझे हुए लड़ाकों की भी वापसी हुई है, जो बाबर की सेना को और भी मजबूत करता है। अगर इस बार कोई विरोधी टीम ग्रीन आर्मी को हल्के में लेने की गलती करेगी तो समझो उसे धराशायी होने से कोई नहीं बचा सकता। घातक लेफ्ट आर्म पेसर मोहम्मद आमिर की वापसी हो चुकी है, वही ऑलराउंडर इमाद वसीम भी वापसी कर चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये कप्तान बाबर आजम के लिए तुरुप के इक्के साबित हो सकते हैं। हालांकि कहा जाए तो बाबर की इनसे बिल्कुल भी नहीं बनती, लेकिन मुल्क की खातिर इस बार बाबर ने दुश्मन से भी दोस्ती कर ली है, क्योंकि इस बार पाकिस्तान को अगर कुछ चाहिए तो वो है T20 वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी। पाक फैंस भी इसी आस में बैठे हैं। आपको बता दें कि जून के महीने में T20 वर्ल्ड कप का आगाज वेस्ट इंडीज और अमेरिका में इस बार होगा। इस मेगा टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तानी टीम ने जबरदस्त तैयारी की और ज्यादा से ज्यादा T20 क्रिकेट पर फोकस किया है। अभी पाकिस्तान को कीवी टीम के खिलाफ भी T20 सीरीज खेली है। इसी बीच PCB की मैनेजमेंट ने आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए ग्रीन आर्मी के 15 लड़ाकों के स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है, जिसकी अगुवाई पाक किंग यानी बाबर आजम करेंगे। आपको बता दें कि बाबर काफी समय बाद पाक टीम की कप्तानी करते दिखेंगे। वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद उन्होंने पाक टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। फिर से T20 वर्ल्ड कप के लिए PCB की मैनेजमेंट ने बाबर पर अपना पूरा भरोसा जताया, क्योंकि वनडे वर्ल्ड कप के बाद कप्तान बदल दिया गया था, लेकिन टीम का परफॉर्मेंस इस बीच काफी खराब रहा था। यही वजह है कि PCB ने फिर से बाबर का रुख किया। आगामी T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट जिस टीम का ऐलान करेगी उस टीम में कई खतरनाक प्लेयर्स को जगह भी दी जाएगी। अगर क्रिकेट एक्सपर्ट्स की माने तो पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने T20 वर्ल्ड कप के लिए खास प्लानिंग की है और इसी वजह से उन्होंने अपने दो दिग्गज प्लेयर की संन्यास से वापसी कराई है। दरअसल बात ये कि PCB के नए मुखिया मोहसिन नकवी ने कुछ हफ्ते पहले ही पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर्स में से एक मोहम्मद आमिर और खतरनाक ऑलराउंडर इमाद वसीम के साथ मुलाकात की थी।
इसके बाद इन दोनों ने रिटायरमेंट से वापसी का फैसला किया। ऐसे में साफ है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 टूर्नामेंट में ये दोनों ही ग्रीन आर्मी का हिस्सा होंगे। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए पाक टीम के संभावित 15 मेंबर कौन हो सकते हैं, जो इस तरह से हो सकता है। कप्तान बाबर आजम, अबरार अहमद, आजम खान, फखर जमान, इफ्तिकार अहमद, इमाद वसीम, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद रिजवान विकेटकीपर, मोहम्मद आमिर, इरफान खान, नसीम शाह, सईद अयूब, शाहीन अफरीदी, उसामा मीर और उस्मान खान। ये तो फिलहाल पाकिस्तान की संभावित टीम है जो T20 वर्ल्ड कप में हो सकती है, और इसकी संभावना भी काफी ज्यादा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस टीम में अगर आजम खान को छोड़ दे तो सभी खिलाड़ियों का फिटनेस लेवल अच्छा है और इसकी T20 फॉर्मेट में दरकार होती है। जहां तक आजम खान का सवाल है तो वो अटैकिंग बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन जहां तक उनके विकेट कीपिंग और फिटनेस का सवाल है तो कारकुन में भी ये साबित हो गया था कि वो काफी खराब है। फिर भी PCB के मैनेजमेंट को आजम पर पूरा यकीन है कि अगर उनका बल्ला गरजेगा तो विरोधी खेमे में जरूर हलचल मच जाएंगे। हालांकि अगर आमिर की बात करें तो वो बाबर के सबसे जबरदस्त हथियार हो सकते हैं। ऐसे में हम इस बार तो यही कहेंगे कि इस बार कम से कम अगर किसी का निजाम चलेगा तो वो है किंग आजम, बाबर आजम का, ना कि कुदरत का। पाकिस्तान ने T20 सीरीज के लिए किया स्क्वाड का ऐलान, 4 साल बाद हुई इस खिलाड़ी की वापसी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 2 रिटायर्ड क्रिकेटर्स की वापसी, T20 वर्ल्ड कप में साथ ले जाना चाहते हैं बाबर। T20 वर्ल्ड कप से पहले PCB का बड़ा फैसला, पाकिस्तान ने पूर्व ढाका ऑलराउंडर को दी बड़ी जिम्मेदारी, बनाया चीफ कोच। T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान खेलेगी 3 सीरीज और टीम इंडिया केवल IPL। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए अपनी टीम के अनाउंसमेंट कर दिए। शाहीन अफरीदी को हटाकर बाबर आजम को फिर से कैप्टन बना दिया गया। लेकिन इस बार 17 मेंबरान की टीम में सबसे खास बात यह है कि 2 ऐसे क्रिकेटर्स को उसमें शामिल किया गया है जिन्होंने कुछ दिन पहले ही संन्यास का अनाउंसमेंट कर दिया था। ये दोनों खिलाड़ी कौन है इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच 18 अप्रैल से T20 सीरीज खेली जानी है। पाकिस्तान इस सीरीज की मेजबानी कर रहा है। पाक और न्यूजीलैंड की सीरीज को अगले T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। अगला T20 वर्ल्ड कप जून में होना है। बात करें न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलने वाली पाक टीम कैसी होगी। बाबर आजम कप्तान, अबरार अहमद, आजम खान, फखर जमान, इफ्तिकार अहमद, इमाद वसीम, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आमिर, इरफान खान, नसीम शाह, सईद अयूब।